डिप्टी कमिश्नर का PA1 व्यस्त था वह एक डॉक्टर से पैसे ठगने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिसकी पहचान तरनजीत सिंह के रूप में हुई। आर्थिक तंगी के कारण वे ऐसा कार्य कर रहा था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर द्वारा दयादिली दिखाते हुए उसे माफ कर दिया गया। देखते हैं खास रिपोर्ट। का कोई आइडिया नहीं, जस्ट मैं ट्रू कॉलर दे थे करके देखा सी सी ट्रू कॉलर थे। हां तो वो उसे नाम चेंज हो गया, मैं कहा चलो कुछ ऐसा करके मिसेस ली मेडिसिन वगैरह या कुछ मैं ऐसा कर सकता। तुसी मेडिसिन भी मंगवाई है वाइफ वास्ते? नहीं मेडिसिन नहीं मंगाई, सिर्फ आई सिगा चिप चिकन वगैरह सिगा एक डॉक्टर साहब तो कितनी बार मंगवाया तुसी? लेकिन डॉक्टर 4-5 बजे का ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਚੁੱਕਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਊ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੰਮੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਛੱਡਦੇ ਗਏ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 6 ਹਫ਼ਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ? 2000 ਚ। 2000 ਨਾ, ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਨੂੰ? ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ। ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼? CR पिछले दिन एक मसला सामने आया सी। जलंधर दे विच एक व्यक्ति अपने आप नूं डीसी साहब दा PA करार दिंदा होया कई रेस्टोरेंट्स दे विच फोन कर रहा सी ते डीसी साहब दे नां ते खाना मंगा रहा सी। प्रशासन ने फौरी तौर ते हरकत करदे हुए डीसी साहब ने ते CP साहब ने पुलिस दे अधिकारियां दी ड्यूटी लाई कि इस व्यक्ति नूं ट्रेस कीता जाए एंड साढ़े जिहड़े CIA स्टाफ ने यह बंदा जिहड़ा आ कोई करीब 18 घंटिया दे विच वह बंदा ट्रेस करके तो उन्हों जिहड़ा आ वह हिरासत में लै लिया। बंदे का नाम बंदे की मजबूरी है कि बंदे की वाइफ जिहड़ी है वह बहुत ज़्यादा माड़े ही उसकी सेहत हैगी है। बंदे नूं आप नूं भी पैरालिटिक का अटैक होया हुआ है, वो इस वेले कोई काम नहीं कर रहा, जिस दे चलदिआं उन्हें यह अजिहा कदम किया। जदों DC साहब नूं ते CP साहब नूं इस दे बारे सारे मसले बारे जानकारी हुई, उन्होंने फिर पुलिस तो इसकी क्रॉस वेरीफिकेशन कराई, जिदे विच जिहड़े जिहड़े तत्थ इन्हें दसे वो सारे वेरीफाई होए। उन्हां तत्थां दे आधार ते DC साहब ने इस बंदे दे लिखती माफ़ीनामे तो बाद, क्योंकि साढ़े DC साहब का साढ़े CP साहब का मनना है कि क्राइम नालों ज़्यादा क्रिमिनल नो ज़्यादा क्राइम नो खत्म करने की जरूरत है, इस करके उन्होंने इस बंदे नो माफ़ी देंदे हुए इनू एक सुधरन का एक मौका दिता है ह्यूमैनिटी।